So very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of government schemes. Guys, in this session we are going to discuss three schemes. और इन तीनों का ही नाम एक है, तीनों का नाम है साथी स्कीम. So ये तीनों की तीनों स्कीम जो है वो अलग अलग डिफरेंट अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की है, बट ये तीनों का नाम क्या है, साथी. सो देर कैन बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दीज थ्री स्कीम. सो नाउ आज के सेशन के बाद आपको इन तीनों स्कीम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. सो डू वॉच द कंप्लीट सेशन एंड स्प्रेड द नॉलेज. बट बिफोर वी बिगिन, do subscribe to our channel and press the bell icon, and also you can join this telegram group for daily quiz. Okay, so the three sathi that we are going to discuss, let me tell you, first is this sathi SATHI, then we will move on to SAATHI. okay, this is again one more sathi, and then we will move on to SAATHI. okay, so these are the three sathis that we are going to discuss today in this session. Okay, so first of all, let's talk about number one Sathi, which stands for Sophisticated Analytical and Technical Help Institute. So just remember the full form, and the full form says it all. So there are two important words, analytical and technical, and another is what? Institutes. So ऐसे institutes बनाए जाएंगे that will work in the analytical and technical sector. ठीक है, that's it. इसके नाम से इसका पता चल रहा है. बेसिकली दिस इज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाएगा. तो उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलप किया जाएगा? दोज इंस्टीट्यूट्स विच विल डू एनालिटिकल एंड टेक्निकल थिंग्स. ओके, एंड यहाँ पे जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गाइस, दैट इज टू, ये जो इंस्टीट्यूट होंगे ये करेंगे क्या, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका होगा काम टू मेक द एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे ये जिससे एनालिसिस की जो हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया की वो इंप्रूव होगी, और जिससे ये डुप्लीकेसी से बचा जा सकेगा. ओके, एंड ऑल्सो जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन द फॉरेन कंट्रीज, ऑन द फॉरेन सोर्सेज, उससे हमें निजात मिलेगा, उससे हमें दूरी मिलेगी. ओके, सो एनालिटिकल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएंगे बाय दीज इंस्टीट्यूट, सो दैट वी कैन अवॉइड द डुप्लीकेसी एंड अवर डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन सोर्सेज. ओके, so I hope the objective is clear, and also these institutes will also help in intellectual property rights creation and their protection. जो हमारे देश में intellectual property rights का जो creation है उसपे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा काम हमने अभी तक किया नहीं है. so these institutes will also help in the intellectual property rights creation and their protection. okay, so these are the two main objective of these institutes which will be set up under the Sathi initiative. okay, and since we are talking about the analytical and technical institutes, which means this scheme is under the Ministry of Science and Technology, and the department is called Department of Science and Technology. Of course, this ministry is headed by Dr. Harshvardhan. He is also the Minister of Earth Sciences and also the Minister of Health and Family Welfare. okay, and his Lok Sabha constituency is Chandni Chowk in New Delhi. and guys, don't confuse between the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Education. सो रिमेंबर, अब आपको आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है. सो देयर कैन बी अ कंफ्यूजन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट वॉज लॉन्च दिस ईयर ओनली, 2020 में लॉन्च हुआ ये. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. ये साल या अगले साल अगर कोई एग्जाम है आपका तो उसमें जरूर पूछा जा सकता है. एंड इसका ड्यूरेशन है कि हर साल 5 साथी सेंटर्स बनाए जाएंगे एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर. अगले 4 सालों तक हर साल 5 साथी सेंटर बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री. राइट, सो दिस वाज दिस साथी. सो आई होप दिस फर्स्ट साथी इज क्लियर. SATHI अंडर विच सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट विल बी मेड फॉर मेकिंग ऑफ द एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अवॉइडिंग द डुप्लीकेसी एंड ऑल्सो अवर डिपेंडेंसी ऑन द फॉरन सोर्सेज, एंड ऑल्सो these institutes will help in creating and protecting the intellectual property rights. okay, and now let's talk about the second sathi. okay, so what does this sathi stand for? Sustainable and accelerated adoption of efficient textile technologies to help small industries. okay, so this is the full form of this sathi, and yahan pe aapko ye teen words dikhai diye honge, efficient textile technology. iska matlab ye hai, clear ho gaya is word se, in teen words se, ki isme hum kuch na kuch ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं जो कि एफिशिएंट है. ओके, सो मतलब वी हैव टू अडॉप्ट द एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी. ओके, द अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, एंड अंडर द स्कीम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, विच इज अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वुड प्रोक्योर एनर्जी एफिशिएंट पावर लूम्स, मोटर्स एंड रेपियर किट्स.
जो एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड है, ये क्या करेगा, ये एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट पावर लूम्स, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स एंड रेपियर किट्स प्रोक्योर करेगा एंड देन दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्मॉल एंड मीडियम पावर पावर लूम यूनिट्स एट नो अपफ्रंट कॉस्ट, कोई भी उनसे उस समय कॉस्टिंग नहीं ली जाएगी. ओके, सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. इसमें क्या होगा, हमें पता था कि हमें क्या करना है, जो एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज है उनको अडॉप्ट करना है. और यहाँ पे कौन सी एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, द एफिशिएंट पावर लूम्स मोटर्स एंड रेपियर किट्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम पावर लूम यूनिट्स एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड व्हिच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ओके, सो आई होप द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस SAATHI इज क्लियर. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्सटाइल गाइस, सो द मिनिस्ट्री इज व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल which is headed by Smriti Irani. She is also the Minister of Women and Child Development. Her Lok Sabha constituency is Amethi in Uttar Pradesh. Okay. And it is jointly implemented by EESL, Energy Efficiency Services Limited and Textile Commissioner of India. Okay. And it was launched in the year 2017. So, jo teeno saathi hai, unka aapko launch year bhi bahut aram se yaad ho jayega. Abhi aap dekhiyega. And the third saathi. So, I hope guys, the second saathi is clear. So first Sati was about making of institutes, the second Sati is about adoption of efficient textile technologies, and now let's move on to the third Sati. So second Sati, SAATHI was launched in 2017, and similarly this third Sati, SAATHI, was also launched in the year 2017. So if we talk about the launch here guys, so first Sati SAATHI 2020 this year, ye to aapko yaad rakhne ki zarurat hi nahi hai. और जो बाकी दोनों साथी हैं SAATHI एंड SAATHE बोथ वर लॉन्च इन द ईयर 2017. सो आई होप द लॉन्च ईयर इज क्लियर. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SAATHE, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. सो रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ SAATH, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन. और ये जो SAATH प्रोग्राम है बेसिकली ये दो चीजों के लिए है, एक है एजुकेशन के लिए और एक है हेल्थ के लिए. सो फॉर द हेल्थ इट इज SAATHE एंड फॉर हेल्थ फॉर द एजुकेशन इट इज SAATHE एंड फॉर हेल्थ इट इज SAATH. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट SAATHE, मतलब एजुकेशन की बात कर रहे हैं. सो गाइस नाम से पता चल रहा है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, मतलब हम यहाँ पे एजुकेशन के बढ़ावे की बात कर रहे हैं. ओके, सो टू ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन थ्री स्टेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पैन इंडिया स्कीम नहीं है, पैन इंडिया इनिशिएटिव नहीं है. This is just for three states and the three states are Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. Now you will think कि भाई ऐसा क्यों, यही तीन states क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो नीति आयोग है उन्होंने invitations भेजी थी to the states in the year 2017 कि आप में से कौन कौन से states ऐसे हैं जो कि अपने state में इस scheme को launch करवाना चाहते हैं, जिसमें हम मतलब कि नीति आयोग और साथ में दो knowledge partners will provide support in improving the secondary एंड प्राइमरी एजुकेशन इन योर स्टेट. तो उसके बदले में 16 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने रिप्लाई भेजा और उन 16 स्टेट्स में से बेस्ट तीन स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया. दीज आर झारखंड, एमपी एंड उड़ीसा. ओके, रिमेंबर दिस गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. एंड विच आर द नॉलेज पार्टनर्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल लीडरशिप आर द नॉलेज पार्टनर्स. लॉन्च 2017 एंड ड्यूरेशन इसका 3 साल का था, यानी कि दिस जो 2020 का जो हमारा अकेडमिक ईयर एंड हुआ था मार्च 2020 में, तभी तक के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी. ओके, सो आई होप गाइस दिस थर्ड साथी इज आल्सो क्लियर. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड SAATHI, SAATHI. आई होप देयर आर नो कंफ्यूजंस. इफ देयर आर एनी कंफ्यूजंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो आई होप ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ दीस थ्री साथीज. So what does A represent in SAATHE initiative of Ministry of Science and Technology? So this SAATHE, अब गाइस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री ना दी हो. सो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सिंगल ए वाला साथी था दैट वॉज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट जो डबल ए वाला साथी है दैट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, राइट? एंड जो SAATHE वाला है दैट इज फ्रॉम द नीति आयोग. ओके, सो हियर इट स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट. And now, question number 2. In 2017, an initiative was started which is implemented by EESL, Energy Efficiency Services Limited and Office of the Textile Commissioner of India. So, यहाँ से आपको एक दो मिनट दे दी. Launch year आपको बता दिया गया है and also
आपको ये बता दिया गया है कि इसके जो इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं वो कौन है। इसके अलावा अंडर द इनिशिएटिव एनर्जी एफिशिएंट पावर लूम्स मोटर्स एंड रेपियर किट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द माइक्रो एंड स्मॉल पावर स्मॉल एंड मीडियम पावर लूम यूनिट्स एट नो अपफ्रंट कॉस्ट। ओके सो आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव। सो वी ऑल नो दिस इनिशिएटिव इज व्हाट द साथी इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 3 in which three states sat e project of niti aayog was implemented। so guys the three states are jharkhand madhya pradesh and odisha which means option d will be the correct answer here। and the last question guys question number 4 which of the following is one of the two knowledge partners in sat e initiative of niti aayog। so the two knowledge partners are is one of the two। okay so we have to tell one among them jo ki un do mein se hai। so boston consulting group and piramal foundation these two are the knowledge partners in the Sathi initiative। So option D here will be the correct answer। Okay and guys before ending the session let me tell you one thing here। जो हमारा SAATHI initiative है इसमें जो no upfront cost है यानी कि जो starting में जो भी ये entrepreneurs होंगे इनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा तो बाद में लेकिन इनको 4 to 5 years के बीच में जो repayment है वो करनी है। Okay किसको EESL को। These repayments has to be made to EESL in the over a period of 4 to 5 years। And remember one thing, ये जो repayment होगी, ये कहाँ से होगी? From the savings। Savings कहाँ से? जो ये efficient power looms और motors के इस्तेमाल करने की वजह से जो savings होगी, उसमें से repayment की जाएगी to the EESL over a period of 4 to 5 years। Okay? So I hope guys all the three Sathis are clear and there are no doubts। If you have any doubts, you can ask me in the comment section। आपको ये session कैसा लगा? Comment करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले हफ्ते 2 नई स्कीम के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।